विवेक, रंजन अग्निहोत्री जोरदार तालियां काटिंग द काइंड ऑफ response जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है देश में विदेश में उसके लिए शुभकामनाएं एंड सर ये सवाल जिसका जवाब मैं चाहता हूं ये हर बार अमेरिका क्यों जाते हैं सर और ये भी वहीं दिखाई गई हमें नहीं दिखाया पहले सर देखो एक तो मिडिल क्लास का ड्रीम होता है अपने बच्चे को आ, पढ़ा के अमेरिका भेज दिया जाए <laughs> तो मैं अभी तक मेरे अंदर का मिडिल क्लास निकला नहीं है शायद बट दैट्स नॉल द रीज़न द रीज़न इज कि जो बच्चे जब आपके पैदा हो जाते हैं ना तो <laughs> आपको सारी दुनियादारी सिखा देते हैं <laughs> तो आई रियलाइज़ कि जितने बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरे अपने खुद के भी और बाकियों के भी और ख़ास तौर पर फ़ोरन में जो हमारे डायस्पोरा के भी बच्चे हैं अगर आप देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि आ, अगर आप किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ की चार पांच फिल्में अगर आप समझिए पोलैंड जा रहे हैं चेक स्लोवाकिया जा रहे हैं आप तो नहीं है शायद मतलब ये है ना हाँ स्लोवाकिया जा रहे हैं या जॉर्जिया जा रहे हैं या तंजानिया कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ की चार पाँच फिल्में देख लें तो आप उस कंट्री की वेशभूषा वहाँ का आर्किटेक्चर वहाँ का खान पान और रिलेशनशिप जनरली लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और लोकल लोग कैसे कुछ तो आइडिया उस कंट्री के बारे में लग जाता है पर मैंने देखा कि अगर कोई जो टिपिकल बॉलीवुड uh, की जो फिल्में थी अगर उनको कोई देखे तो लंडन न्यूयॉर्क के बारे में ज़्यादा जान जाता है इंडिया के बारे में नहीं जान पाता है तो <laughs> तो इसलिए तो द रीज़न इज़ वी एट आई एम बुद्धा वी डिसाइडेड ये कॉन्शियस डिसीजन था वी डिसाइडेड दैट वॉट इफ़ वी यूज़ अवर फिल्म एज सॉफ्ट पावर फॉर द कंट्री एंड शो केस इंडियन स्टोरीज और प्रॉब्लम यह है कि मेरे को यहाँ पर थोड़ी टाइम uh, भी मिल गया था दो तीन महीने का तो वी स्टार्टेड बुद्धा ट्रैफिक जैम जब रिलीज़ नहीं हो रही थी पाँच छः साल वो अटकी रही फिल्म विच इज़ द न्यू जर्नी ऑफ माई करियर तो हमने कहा क्या करें तो वी सेड ओके अगर कोई रिलीज थिएटर में नहीं करता लेट्स टेक इट टू पीपल और वहाँ से ये सिलसिला चालू हो yeah. गया और कश्मीर फाइल्स के साथ भी हमने ये किया वी ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड इस बार टाइम कम था तो सिर्फ अमेरिका कर पाए अदरवाइज आई वांटेड टू शो इट इन मेनी अदर कंट्रीज आई वांटेड पीपल टू नो बिफोर वी शो इट इन इंडिया

We can. You want me to? Should what do we? you people say? Shall, हाँ? Huh? Shall we? एक बार जोरदार तालियां हो and all eyes on the big screen. तो वो improvise करना जरा उसको, just please. He's gonna take my case. वो बोलेगा ये क्या करवाया? So yes, ladies, move out. You show this. You know, no, see, I'm serious. You think I'm kidding? No, no, no. No, I got it. MOV है ना? Just show it. So I just want to show you, uh, because कहीं ऐसा ना लोगों के दिमाग में doubt हो. Just see what happened in US. and how Americans and Africans and uh, Asian people reacted to it. Let's the... do it, sir. Let's do it. Come on, हो जाए हमारे देश के नाम और इस इस बहुत ही हैं ये सच में उस किरदार को जीते हैं. He's not just an actor. He's a wonderful wonderful actor a wonderful human being give it up for Nana Patekar saab ladies and gentlemen ये है असली फेमिनिज्म और इसी सब में कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और अपनी अपनी अदाकारी से हर बार हमारा दिल जीतती आई है फॉर पल्लवी जोशी लेडीज एंड जेंटलमैन एंड इट्स सीरियसली एन ऑनर कि सर आज हमारे साथ हैं यहाँ पे डॉक्टर बलराम भार्गव जी हमारे साथ हैं जोरदार तालियां who led the entire vaccine project and if we are sitting here today उट मास्क इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर की जहां तक हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर सबसे पहला सवाल थोड़ा सा मुझे ये बताइए अभी हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे थे वेन यू वेन टू साइन नाना सर मतलब वो थोड़ा सा लग रहा था सर की सर हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे या मैं आगे पूछ नहीं पा रहा हूँ सर आप समझ गए एक भी भी जरा यही पूछना चाह रहा था सर कि भी डर नहीं लगा। मैं, actually, honestly, मुझे बोला कि, नहीं, नहीं, किसी को, भी करो, नाना को नहीं पागल हो गए बुढ़ापे में पिटना है क्या एवरीबडी टोल मी कि नाना के साथ जाओगे और उससे कुछ अच्छा नहीं लगा अगर तूने थोड़ा भी टेन परसेंट कॉम्प्रोमाइज किया काम में या बोला अच्छा जल्दी है ये एंगल चेंज करते हैं तो वो मार देगा पकड़ के तुमको <laughs> तो तो मैं मैंने फिर पल्लवी ने काम किया मैंने पूछा क्या है तो पल्लवी ने बताया मुझे कि काम को लेके नाना और सिर्फ अपने ही नहीं दूसरे का भी सेट पे तो जब मैं नाना से मिलने गया एक तो पता नहीं कहाँ रहते हैं बोले पूना में रहते हैं पूना में नहीं रहते हैं झूठ बोलते हैं ये पूना से दूर एट दी एंड ऑफ द वर्ल्ड कहीं एक फार्म हाउस है खड़क वासला में वहाँ रहते हैं तो मैं वहाँ गया तो नाना ने हमारे लिए बहुत सारा खाना बनाया खुद अपने हाथ से खिलाया मैंने पहले खिलाना पड़ता है तो मैंने कहा बकरे को बकरे को हलाल करने के पहले खूब खिलाना खिला रहे अच्छी फिर मुझे रहा नहीं है। मैंने मैंने कहा कहा लेट्स कट इट शॉर्ट नाना तो मुझे चार नहीं पांच झापड़ मार देना लेकिन ये रोल जैसा लिखा एग्जैक्टली वैसे ही करोगे कि नहीं एंड आई प्रोमिस यू नाना वॉज लाइक अ चाइल्ड ऑन द सेट जिन लोगों ने काम किया सब जानते हैं चौबीस घंटे सबको दौड़ाना खुद सबसे पहले पहुंचना एंड ही मैं जब इनके रूम में गया वहां पे लखनऊ में जब हम लोग पहले दिन स्वीट में तो वहां पूरे स्वीट में सिर्फ कागजी कागज ही कागज बिखरे हुए थे और मैं घुसा और नाना ने कहा विवेक सीन नंबर एंड ये सुन लिख 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 के 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 जो मिल जाता था उसे पकड़ के, मेरे डायलॉग 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 एंड ही वर्क सो हार्ड क्योंकि इतने डिफिकल्ट डायलॉग्स थे टेक्निकल है इंग्लिश में भी है अंग्रेजी हमको उतनी अच्छी आती नहीं है तो हम <laughs> रट लेते थे यार फिर वो

होने के बाद जैसे तू बताएगा वैसे मैं करूँगा और होता ऐसे है कि आज भी मुझे लगता है ये मेरी आखिरी चांस है पहला और आखिरी उस तरह से काम करो तो आसान हो जाता है सरेंडर करो और अगर उसमें कुछ बुरा है तो मेरी वजह है, से अच्छा है तो इसने वो बोया हुआ है मैं सच कहता हूँ वो इतनी मेहनत करता है हालांकि इतना काम करवाया इतना काटा यार ऐसा <laughs> बहुत काम करवाता है और सुबह से लेकर शाम तक मैंने वैसे ही बोल दिया था कि मैं आठ घंटे के ऊपर काम नहीं करूँगा बावजूद उसके दस बारह घंटे काम करवाता था <laughs> ये आजकल झूठ है ये जाते नहीं है ये कहते हैं और काम करो तो प्रॉब्लम ये है <laughs> काफ़ी मतलब ऐसे कोई भी हमारे यहाँ कोई भी किसी की तकरार नहीं थी हालांकि थक जाते थे हम और इतना बरबोश है ना बहुत बोलना बहुत बोलना टेक्निकल है अंग्रेजी तो हमारी वैसे ही मतलब वाह कमाल तो तो इसकी वजह से

यू नो किलिंग इट इफ आई कैन से दैट तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यू नो इतने सारे कमाल के जर्नलिस्ट एंड फीमेल्स आप मुझे बताएं आपकी जर्नी ये सब कैसी रही इसमें और सर ने इस बार थोड़ा वो थोड़ा कष्ट दिया या वॉज ही लाइक अ गुड डायरेक्टर दिस टाइम ऑल्सो नो ही गुड डायरेक्टर दिस वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस एज ऑलवेज इट्स इट्स फन वर्किंग विद विवेक वी कोलेबरेटेड नाउ फॉर Almost three films. Right. Um, but this became a very special film because um, under uh, Dr. Pargov's uh, leadership, there were these bunch of scientists who were in their labs day and night, and together as a team, they made uh, you know an impossible uh, situation happen. We created our own vaccine. And this movie, while we were shooting for this movie, there was so much pride in our minds. और uh, जिस तरह हम हम सब जो एक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं हम सब लोग मैं और मेरा साइंटिस्ट मैं और मेरा साइंटिस्ट हम सब लोगों का यही था एंड वी ऑल वांटेड टू स्टे ट्रू टू आवर कैरेक्टर्स और इतना ज़्यादा जैसे विवेक ने और हमारी पूरी रिसर्च टीम ने जो इंटरव्यूज किए थे uh, इतना ज़्यादा उन्होंने uh, अपने आप को समर्पित कर दिया था इस दौरान उसके बिना ये होता भी नहीं पॉसिबल इंक्लूडिंग डॉक्टर भार्गव एन आई थिंक वैन आई सो ऑल द इंटरव्यूज मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये एक जो इंडिक फेमनिज्म है एंड आई कॉल इट इंडिक बिकॉज यू नो द वेस्ट लुक्स एट फेमनिज्म फ्राम वेरी डिफरेंट लेंस लेकिन यहाँ पर हमारी जो महिलाएँ हैं यहाँ पर जो काम करती हैं टॉकिंग बाउट नॉर्मल मिडिल क्लास वमेन हु गो टू देयर वर्क डेली जो लोकल में ट्रैवल करती हैं वो घर भी संभालती हैं खाना भी बनाती है सास ससुर की भी सेवा करती है बच्चों का होमवर्क भी कराती है और एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छी प्रोफेशनल भी हैं तो हमें लगा कि दिस इज़ अ दिस विल बी अ वेरी गुड क्या कहें कि उनके लिए जैसे ये मूवी बनाई है बिकॉज जितनी भी हमारी साइंटिस्ट इसमें हैं वो ऐसी ही हैं जो बिल्कुल हमारी जैसे बिल्कुल इंडियन वैल्यूज़ वाली

कि इंडिया कैन डू इट जो आपने वो कदम उठाया uh, पहले तो आई लाइक टू कंग्रेचुलेट दी पल्लवी जोशी एंड विवेक एंड नाना ने जो हमारा रोल मुझसे बिना मिले किया है ही हैज़ नॉट मेट मी एंड ही वांटेड टू डू इट ऑन अ प्लेन पीस ऑफ पेपर एंड आई थिंक ही हैज़ डन ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ जस्टिस नॉट ओनली टू माय रोल बट टू द फिल्म

और उस बुलंद हौसले से हम लोग ने देखा कि हम लोग के जो वैज्ञानिक हैं और जो सब रोल लोगों ने प्ले किया है सामने बैठे हैं बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं आपको मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा जबकि समय आपका थोड़ा लगा चंद्रयान का वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि चंद्रयान में भारत के जो वैज्ञानिक हैं जो आई के सारे वैज्ञानिक हैं वो अमेज़ॉन माइक्रोसॉफ्ट और उसमें चले जाते हैं और जो रीजनल कॉलेजेस के लोग वैज्ञानिक हैं और रीजनल छोटे छोटे कॉलेज वो सब इसरो में हैं उन्होंने मून पे पहुंचाया तो इसलिए मेरी तो बिलीफ ये है कि ये शतक भारत का है और भारतीय लोग जेनेटिकली टैलेंटेड है जेनेटिकली टैलेंटेड

का अलर्ट आया है तो एज अ प्रोटोकॉल डॉक्टर साहब तो अब एम्स में चले गए हैं ही इज़ हेडिंग द कार्डियो डिपार्टमेंट इंडिया के नंबर वन कार्डियोलॉजिस्ट हैं किसी को भगवान ना करे ऐसा हो पर दिल की कोई तकलीफ हो तो मुझसे फ़ोन करिए मैं सिफ़ारिश कर सकता <laughs> तो रेस्ट ऑफ दैम आर ऑल इन द लैब्स एंड दिस थिंग्स एज अ प्रोटोकॉल दे वो नॉट अलाउड टू सेंट अ मेल द मॉर्निंग

जोरदार तालियां स्टारकास्ट एंड ऑफकोर्स द कमाल का क्रू ऑफ दिस दिस अमेजिंग फिल्म द वैक्सीन वॉर रिलीजिंग ऑन द ट्वेंटी एथ ऑफ सेप्टेंबर एक क्विक फोटो अप हो जाए

मेरे पूरे बाल शेव हो गए थे हाफ एंड आपउ भी थी सी हो गई सर ये तो <laughs> और मेनली <Yeah>, मेनली <yeah>. <laughs> मुझे बहुत मजा आया नाना सर के साथ काम करके सबके साथ काम करके एंड इट्स गोना बी एन अमेजिंग फिल्म वाओ वाओ थैंक यू सो मच सर मैं विवेक जी के साथ बहुत सालों बाद आ, काम कर रहा हूं एंड अनफॉर्चूनेटली uh, जब भी उन्होंने मुझे फोन किया है मैं अवेलेबल नहीं था पर इस फिल्म के लिए मैं था एंड जब उन्होंने मुझे फोन किया मैंने कहा रॉन्ग कास्टिंग ब्रो हाउ कैन आई प्ले दिस कैरेक्टर तो ही फिक्र मत करो तुम आ जाओ अच्छा बस यू कॉल मी आई देर एंड ये ट्रेलर एक्चुअली में सच बता रहा हूं विवेक दिस फॉर यू आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर आई हैव टू एंड काउंटिंग आई इन दिस इंडस्ट्री I think I'm going to be the proudest of this work of mine. Wow. Wow. Sir. I really am. So thank you, Vivek. Thank you, Pallavi. Thank you, everyone. Thank you, Kapoor sir, for sharing that. Ma'am, for you, how was it? How was the journey? And, uh, thoda sahab, it was incredible. It's uh, too many firsts for me. My yeah. first time working with Nana, my first time working with uh, Vivek, sir, also. I have known uh, all of these people for a very, very long time, just never had the opportunity. Right. And, um, uh, apart from being an incredible experience of, of the shoot itself, of the process of it, I feel the cast and crew was also so lovely to work with. We made such great friends, and it was so lovely. <laughs> it was such a warm, happy atmosphere to right, work in, right. uh, that it made the whole experience all the more special. And I would also agree with um, Mohan and uh, palvi Ji, uh, as she said, we are all extremely proud of what we have made. Yes. And there was a sense of pride even when we were we were doing this. So as we were shooting it, as we Kept getting, you know, uh, getting to know more and more about what has actually happened. Um, we were just filled with a sense of pride right. for our country and for all the lovely work that has that has been done yes. by Dr. Bhargava and his team. And we are I am extremely proud uh, to be playing Dr. nivedita Gupta, whom I have also met personally. And uh, it's just been an amazing, amazing journey. We are extremely proud of this team, this amazing team. Thank you so much for sharing that. Sab so to me, this one's for you, would tell you me. Like to to yes. She studied bioscience, so she was the only one who knew what we were talking about. Okay. <laughs> and every time we made mistakes in you know, our medical terminology, she was the one who was correcting us on the sets. Right, right. Thank you so much, ma'am. Add Karne up to me. Uh, Hindi debut, you know, dream debut is what you would call this? Yeah, I mean, um, firstly, sabko nam no, sabko Namaskar, Namaskara. And uh, I'd firstly like to thank Vivek, sir for giving me this opportunity and then uh, for me of course the language was difficult yeah. um, and it was a very different language new language it's not that i don't know hindi but again sync sound is an issue for me so uh, <laughs> vivek sir gave me that you know confidence and he said no it's okay you can take your dialogues and i have a very south indian hindi accent okay. so he said no i want that for the character it will suit very well so there was uh, i mean he gave me a lot of confidence it was so easy working with everybody uh, I, I mean i g keep getting asked everywhere he, you know how it was working down south and working here uh, you know how is the you know bollywood or hindi cinema how, how, what's the difference it didn't really you know it didn't seem like a difference i think that's because of the team that i worked with wow. we all ate together we practiced our lines together we used to get ready together so I think that made it very easy for us. And also thanks to Uday, I mean, uh, our cinematographer. Because I worked with him and it was wonderful working with him. And Pallavi Joshi ma'am. I mean I didn't get the opportunity to work with Nana sir. and Hopefully sometime sure, in the I'm future. Sure. <laughs> but yeah, Nivedita ma'am, Pallavi Joshi ma'am. Everybody was so nice working. And right. I'm very happy and grateful for this. Thank you, thank you so thank you. much. Thank you so much. Uh, ma'am, this one's for you. Every time we see you on that big screen yeah. Jesse we see you, wo sab हम बड़ा खूबसूरत सा हो जाता है यहाँ पे एक बड़ा अलग सा रोल है अलग किरदार है व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट नमस्ते एवरीवन uh, सबसे पहले जब ये कहानी uh, बस मुझे फोन आया अचानक कि विवेक सर मिलना चाहते हैं और विवेक जी के साथ बहुत-बहुत सालों पहले हमने काम किया था साथ में एंड आई जस्ट वेंट एंड मेट बलवी एंड विवेक जी एंड जस्ट सेड हम कर रहे हैं और बस हम मिले ऑफिस में और तुरंत वहीं पे मैं भेजता हूँ तुम स्क्रिप्ट आई से आई एम डूइंग इट बिकॉज ही इज मी सो इट जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट इट एंड जब कहानी पता चली और जब स्क्रिप्ट आई और जैसा इन सब ने कहा है मैं उसे एक प्रतिशत भी पीछे नहीं हूँ आई एम सो सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म आई एम प्लेइंग डॉक्टर प्रज्ञा जो जिन्होंने बहुत अहम किरदार भूमिका निभाई है डॉक्टर भार्गव ज़्यादा उसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे मैम जस्ट प्लेड है बट जैसे जैसे हम फिल्मिंग कर रहे थे उसके दौरान इतनी परतें खुलती गई इतनी हर एक सीन में हमें लग रहा था ओ माई गॉड कैसे अचीव कर लिया इन्होंने इतनी स्ट्रगल करके मतलब दिव जस्ट डन एवरी थिंग एंड छोटी छोटी चीज़ों में इतनी दिक्कतें आई हैं और उसके बावजूद इतने शॉर्ट स्पैन में uh, वैक्सीन बनाना और सक्सेस रेट सो so, uh, हम तो कुछ भी नहीं हम कहते हैं ना निमित मात्र हमने सिर्फ उसको पर्दे पे उनका खाली काम जो भी है बहुत ही इनफैक्ट विवेक जी खुद सहमत होंगे कि बहुत ही कंसाइज uh, प्रिसाइज रूप में दिखाया उसका भी मतलब सौ हंड्रेड परसेंट अधिक है जो वो कर चुके हैं और हम जिसकी बदौलत सब यहाँ पर हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं बहुत बहुत आई एम वेरी प्राउड एंड थैंक यू विवेक एंड पल्लवी एंड इट हैज़ बीन सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव वर्कड विद नाना सर आई थरली इंजॉयड एंड

विवेक सर के साथ पल्लवी जी के साथ इस पूरी टीम के साथ थैंक यू विवेक जी के साथ ये दूसरी फिल्म है हमारी तास्कन फाइल से जुड़े थे और मुझे मतलब बहुत खुशी है कि इतनी मेहनत वाला काम यही कर सकते हैं क्योंकि इतना रिसर्च का काम हमारा कोई डायरेक्टर नहीं करेगा पल्लवी जी ने अच्छा सपोर्ट किया है इस फिल्म को और वुमन एमपावर को तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई नाना जी के साथ भी काम बहुत फिल्में मैंने साथ में करी है Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू सो मच एंड नाउ कैन वी क्विकली हैव द चेयर्स सो दैट वी कैन टेक द क्वेश्चंस हमारे जो मीडिया से फ्रेंड्स हैं उन सब से सम ब्रिलियंट पीपल हु आर बिहाइंड द कैमरा आई वुड जस्ट लाइक टू टेक द नेम्स इस फिल्म का एक जो एक कैरेक्टर जो आपने सुना होगा एंड में इसका म्यूजिक है जिसकी सब बहुत तारीफ कर रहे हैं अक्सर इस तरह की फिल्मों में हम लोग वेस्टर्न स्टाइल म्यूज़िक करते हैं पर इस बार हमने राग बेस्ड म्यूज़िक किया पूरी फिल्म में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को यूज़ किया है और उसको किया है रोहित शर्मा ने वेरी टैलेंटेड जीनियस म्यूज़िक डायरेक्टर जो गाना नसादी सूक्त जो बजा था वहाँ टाइम स्क्वायर में वो स्वप्निल बंडोडकर ने किया है उसका वर्जन और उदय सिंह मोहिते इसके डीओपी हैं गिरीश राम यानी इनका दूसरा टेक नहीं होता है साउंड का तो ये बस ये कह रहे थे भगवान से प्रार्थना करते थे कहीं नाना की कोई लाइन का टेक ना निकल आए तो सच्ची रोज़ बोलता था yeah. कि कहीं नाना की लाइन का कोई डबिंग ना निकल आए कहता था तो बिकॉज तो, तो नाना इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट साउंड एंड डायलॉग्स एंड एवरी मैं किसी को मिस तो नहीं कर रहा हूँ तृप्ति इज हियर हैज़ ऑलवेज बीन हेल्पफुल एंड राव देवेंदर uh, विभू अतर सिंह सैनी जी uh, अबर हाँ uh, 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 huh? Uh, and manan uh, uh, manan uh, yeah he's there thank you so much sir thank you so much and yes of course we'll have that uh, uh, big nice uh, photo up in the end too

Um, my question is, sir, because it's such a you know tricky subject. Uh, everybody knows the kind of you know stuff went into it in real life, and I'm sure uh, the, you must have faced a lot also during the research. But uh, you know, time um, there has been reports and there has been stuff that you know. Uh,

what is a war? war is when your life is under attack. and during covid, everybody's life was under attack. and at that time, there were some people where often we think that the soldiers of the country are the people who are taking guns and fighting on the border. but in this situation, there were lots and lots of people, all the covid frontline workers, the, uh, the people in administration, people who were flying special planes at that time. and of course, the scientists, they were trying to protect our lives. And the sovereignty of the country. And at that time, it is very unfortunate that some people uh, were selling India and in our lives. I mean, can you believe it? That some people were getting money to promote foreign vaccines and they were trying to sabotage Indian vaccine for their political agenda. So, and these, the names you took are usual suspects. I mean, they are always standing against anything which is in the interest of the country.

सर आ, मेरा सवाल आपसे रहेगा क्योंकि आ, जो लॉकडाउन और कोविड का टाइम है उस टाइम तो कई स्टोरीज आई कई उस पर फिल्में भी बनी सब ने अलग अलग पहलू दिखाए समझ में नहीं आ रहा हेलो हाँ। अभी आ रहा है क्लियर हाँ, डालो मत अलग अलग दूर रखो, <laughs> हाँ। जी तो आ, मैं कह रहा था कि कोविड टाइम को लेके या लॉकडाउन को लेके अलग अलग स्टोरीज आई अलग अलग लोगों ने फिल्में बनाई अलग अलग पहलुओं से बनाई क्या वजह रही कि आपको लगा कि ये जो वैक्सीन की स्टोरीज़ है ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है हमें ये स्टोरीज़ लोगों के सामने लानी चाहिए लोगों ने अलग अलग तरीके दिखाए कि कभी पलायन को लेके दिखाया कभी मज़दूरों को लेके दिखाया कभी बट आपके लिए क्या इंस्परेशन रही कि मुझे इस पर बनाना है यार पहली बात तो इस फिल्म का कोविड से कोई लेना देना नहीं है ठीक है ये कोविड की वैक्सीन ज़रूर है लेकिन ये बाकी जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं इसका फिल्म में कोई कोविड से लेना देना नहीं है इसमें इसमें कोई कोविड का बीमार भी नहीं है फिल्म के अंदर मैंने ये देखा कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है सब लोग हर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सुपर हीरो फिल्म बना रहे हैं तो मैंने कहा चलो मैं भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाता हूं तो मैंने एक जेनुन सुपर हीरो फिल्म बनाई जस्ट बिकॉज इट हैपन ड्यूरिंग कोविड टाइम वो नहीं पर यह एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इस तरह की कहानियां तब सुनाते हैं चालीस पचास साल बाद जब फिर से बायोपिक का फीवर आएगा पचास साल बाद तो लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे हम हर चीज़ बनाने में थोड़ा लेट होते हैं तो मैंने कहा इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए भारत की जो मॉडर्न आज की जो जनरेशन है उनके सामने जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको तुरंत बताना चाहिए एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पोर्टेंट बिफोर इट डाइज डाउन टू टेल द वर्ल्ड मैं बताता हूँ आपको मैंने ये फिल्म क्यों बनाई है मैं आपको एक रीज़न सबको बताना चाहता हूँ uh, जो कैंसर uh, की जो uh, कैंसर का जो एक पहला डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं मैं अभी बताता हूँ डॉक्टर सुब्बा राव वॉज इज इट्स कली इंपॉर्टेंट यू गेट टू नो दिस वन दिसब्बा राव ये नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे राइट लेकिन मैंने अभी कुछ ही जब कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि मेड द फर्स्ट एंटी कैंसर ड्रग कॉल्ड मीथो ट्रैक सेट और इट वॉज रिटन बाई एन अमेरिकन साइंटिस्ट ही सेट ही डिजर्व थ्री नोबेल प्राइजेस नॉट वन थ्री नोबेल प्राइजेस पर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब चीज होती है तब उसको हम रिवॉर्ड नहीं करते वो चली जाती खत्म हो जाती है. जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझसे एक साइंटिस्ट ने बोला एक व्यूरोलॉजिस्ट ने कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में 26 जनवरी को उनकी झांकियाँ निकलती हैं ऐसा कोई फैसेट नहीं है ह्यूमन लाइफ का जिसके ऊपर झांकियाँ नहीं निकली हैं पर आज तक बायोसाइंस और वायरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर आज तक एक झांकी नहीं निकली वैक्सीन बनाने के बाद भी इस साल के छब्बीस जनवरी में भी नहीं निकली प्रॉब्लम यह है कि हम भी जब अपने बच्चों से कहते हैं साइंटिस्ट बनो तो हम हमेशा रॉकेट साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं पर हम लोग कभी इस तरह की साइंस की बात नहीं करते हैं जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है हम हेल्थ के नाम पर सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो अगर हम अपने बायोसाइंस में वायरोलॉजी ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमारी जिंदगी सेफ है अगर उसको लेके इंस्पायर नहीं करेंगे बच्चों को तो हाउ विल वी बिकम अ ग्रेट फार्मा पावर इन वर्ल्ड जी सर एक सवाल और रहेगा फ़िलहाल में एक काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है वन नेशन वन नेम को लेकर कि इंडिया और भारत को लेकर और आपके पोस्टर में अभी इंडिया कैन डू इट लिखा भी है तो इस पर आपकी क्या राय है और अगर हिंदी सिनेमा की बात करें चूंकि हम फिल्मों की बात कर रहे हैं तो उस पर वन नेशन, वन नेशन नेम का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या देख रहे हैं आप यार अभी इसको छोड़ ही दिया जाए पिक्चर में ही जवाब है ना ना यू वांट टू से समथिंग नहीं नहीं हमको को को पहले, मैं कुछ बोलूंगा वो तुझे भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि तू बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा रहा मैं इसको पूछ तेरी समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है एक नॉर्मली क्या होता है हम जब बोलते हैं तो सामने वाले के पल्ले बढ़े मैं बोल रहा हूँ पल्ले बढ़ रहा बस हो गया जवाब मिल गया है ना हाय विवेक uh, तो 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 सर पल्लवी मैम हाय सेंटर हाय आई एम फ्रॉम न्यूज़ 18 फर्स्ट ऑफ़ ऑल बिग कंग्रेस्टेशन्स ऑन विनिंग द नेशनल अवार्ड

आप कोई सा भी पेपर न्यूज़ चैनल कुछ भी उठा के देख लीजिए जब भी बात पिछले नौ महीने से सब जानते हैं हमने ये फिल्म बनाई है लेकिन वेनवर दे टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड फिल्म या इस साल की रिलीजेज़ या अगले तीन महीने में जो फिल्में आने वाली हैं आप देखिएगा उसमें वैक्सीन वॉर का नाम भी नहीं होता आज सुबह ही अब भी मैं अभी आने के पहले ये फ़ोन पे मुझे एक आ, जाने माने बड़े यहाँ के वो हैं मीडिया जर्नलिस्ट या ट्रेड एनालिस्ट जो भी बोलूँ यहाँ विद्यमान नहीं है अभी उन्होंने सुबह मुझे ऐसे ही भेजा किसी का और उन्होंने लिखा कि द द एक्सपेक्टेड फिल्म ऑफ दिस मंथ इस महीने की सितंबर की और उन्होंने लिखा नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट हिट इज़ गोइंग टू बी अनदर फिल्म विच इज़ कमिंग ऑन द ट्वेंटी एट और हमारी फिल्म का नाम भी नहीं लिखा था रिलीज में जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कौन फाइनेंस करेगा नहीं आप समझी नहीं मैंने जो बोला दैट्स व्हाई वी हैव टू हमें रोज अपना कुआं खोदना पड़ता है और खुद अपना पानी निकालना पड़ता है उसमें से हेलो पल्लवी जी टू योर लेफ्ट हाय दिस इज रसल दिस फ्रॉम पीटीआई आर योर कैरेक्टर जोर थोड़ा जोर से बोलना दिस इज रसल दिस फ्रॉम पीटीआई योर कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ साइंटिस्ट सो वी वुड वेरी मच लाइक टू नो इन योर ओन वर्ड्स हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू पोर्ट्रेट दिस कैरेक्टर And what were the inspirations you took from the real life person to do the role? Um, so, Russell, my uh, <clears throat> character is uh, called Dr. Priya Abraham. Now, uh, Dr. Priya was the director of uh, National Institute of Virology during the COVID period. Me. Uh, I think she joined a few months before yeah. COVID hit. So, she was relatively new at NIV when uh, Dr. Bhargav started. Uh, you know, uh, uh, talking to her, and if I may say so, started, you know, uh, putting impossible deadlines in front of her, and she had to manage with uh, in record speed because all these scientists like Pragya, Dr. Pragya Yadav, uh, Dr. Me, they were all they are all working at NIV. So uh, Dr. Priya managed to, uh, you know, get the entire team to make this vaccine to i mean i won't get into scientific terminologies now because now i know them <laughs> but uh, whatever the work had to be done it was done in record speed as she was getting pressure from dr bhargav she started putting pressure on you know her scientists so it started becoming you know like it was more like a role play mimicking of a role play but they delivered at the end of it all the women they delivered this uh, Character was a little difficult for me. Ankita, can you just move, please? Uh, this character was a little difficult because uh, Dr. Priya Abraham is a Malayali, and that's why we thought that you know, I, when I spoke to her, I asked her she Hindi. So she said, "I'm very fluent in Hindi." So I said, let Hindi talk in Hindi." And she said, "Yes, four times," but then she <laughs> kept talking to me in English, and that's when I understood that Hindi might have a problem so that's when i decided to tweak that language a bit and now dr bhargav tells me that that's exactly how dr priya speaks <laughs> so i guess that <laughs> turned out to be a good coincidence but a very uh, amazing woman i saw all her interviews and believe you me whatever you see on screen is dito priya ibrahim i've picked up all her real mannerisms because i saw a character in her and i loved playing her and I think she's a wonderful, wonderful person. And uh, as, as you say, Bharat, uh, that screen pe na, who jhalak or bilkul emotion Sorry to interrupt, but. Uh, May I, I just say something? Um, you know, uh, Pallavi and me, we worked uh, long back. And there was this one scene where we were all in this frame together. And I'm, I didn't have dialogue. So I was watching her rehearse with the, my other co actors. And I looked at Pallavi and I said, why is she talking so funny? So I asked her at one point, I said, what is wrong with you? I mean, have you been bitten on the tongue or something? Why are you talking like the way you are? She's saying, well, How am I talking? I said, Your pronunciation is not right. Then she told me, she saying, Because my character is Malayali. I said, Oh, God. So it was so fine. Her performance was so fine. I didn't even catch on to it. So that's something you really got to watch out for. I think uh, ma'am has to leave, right? Girichachi? Yeah. So she has to leave. So thank you so much for being here. And uh, a big round of applause for this amazing, amazing actor, ladies and gentlemen, please. Thank you. Thank, Thank you so much. You. Uh, hi. Yeah. Uh, hi. Uh, Mayuria. Uh, Mayuria from Beyond Bollywood. Uh, I have one simple question for Pallaviji and uh, one for uh, Vivek, sir. Uh, Pallaviji, obviously looking at, uh, uh, if you can see me, Mayuria in the center. So obviously, after Tashkin Files, uh, the Kashmir Files, and how pleased are you that uh, you know in this film you're not playing the cynic, and as Mr. Uh, uh, Vivek often says, the urban naxal. <laughs> well, I'm glad Vivek didn't give me uh, <laughs> Ramas character in this. <laughs> no, for a change, um, I'm I'm playing a very positive uh, role in uh, this film. Um, I chose to play those two characters, actually, in Tashkent and Kashmir, because when I read the script, I fell in love with um, Aisha Alisha of Tashkent Files, simply because uh, she's shown to be a cripple in the movie. And I thought that it was very metaphorical of Vivek to write that character of somebody who's kind of handicapped in their own thinking. And for an actor, I think it's a big challenge when you cannot move around uh, to cr still create that energy. So, Tashkent was something that I had uh, kind of begged for because Vivek, at that point in time, was considering uh, casting Ratna, Ratna Shah for that character. And I said, No, I'll dye my hair, I'll do whatever, I'll play this old woman, and I'll, I'll make sure that I, I do justice to that role. And then I think from there, uh, that's what prompted Vivek to probably cast me as uh, Radhika Menon for Kashmir Files. Was it, Vivek? Because you had it, you had that role in your mind when you were well, that was script. a good audition, yeah. <laughs> and Vivek, so my, so my question to you is: uh, obviously, uh, uh, looking at Raima's character is in in a film which is based on a true story. Uh, is her character a work of fiction, or are there inspirations over there as well? See, in this film, there is no fiction. That's why it's called a true story. Uh, uh, if you know the rules and the guidelines of CBFC you're not allowed to write a true story in any film maximum you can do is inspired by true life incidents that's what you can do perhaps you will find this is the only film which has got a true story because this book is based on the, sorry this film is based on the book written by dr balram bargo called going viral so that is one part of the film the second part is all the detailed two years of interviews and the research which we did and every scientist's name is real in this film. Uh, as far as the journalist is concerned, in fact, uh, the, you must have seen that uh, couple of news and the toolkit shot, that is the real paper. I've just changed the foundation's name. That's all I've done just to uh, not to hurt or get into defamation kind of scenario. And the journalist is real. Every single thing, articles tweets anything you will see in this film are absolutely real though we have blurred the names in india because uh, indian cbfc has certain guidelines the characters name i have tweaked uh, this thing but when you will see the film you'll know exactly who these are every single thing from first frame till the last frame in kashmir files we had created some fictional characters though every event and incident was true in this every single this

ले जाने की कोशिश है आपकी और ये सारी जो फिल्में आप बना रहे हैं इनके पीछे विजन क्या है आपके रियल स्टोरीज जो बना रहे हैं लोग इंस्पायर हो रहे हैं अभी वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है क्या कुछ विजन है आपके आपका मोटिव डूइंग मेकिंग फिल्म लाइक दिस नहीं ये मुझसे सवाल कई लोग करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है मैं तो वही कर रहा हूँ जिस तरह से फिल्में होनी चाहिए मैं जब पैदा हुआ था तब से मैंने जवानी तक जितनी फिल्में देखी तो मैं वो लेट सेवेंटीज़ और एटीज़ के दौर में था तो बहुत अच्छी फिल्में बनती थी सोशल मी, सोशल इशूज़ पर बनती थी और जो लोग नहीं जानते हैं चूँकि नई जनरेशन के लोगों को शायद नहीं पता हो भारत पूरे वर्ल्ड में एक मात्र ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिस जिसमें एक जॉनरा हुआ करता था जिसका नाम था मुस्लिम सोशल्स यस राजेश खन्ना की फिल्म फिल्में राजेंद्र कुमार की फिल्म फिल्में सारी इतनी सारी फिल्में थी और उस जॉनरा का नाम था उनके ऊपर लिखा होता था पोस्टर पे मुस्लिम सोशल आज सब लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में पूरे वर्ल्ड में कोई फिल्म इंडस्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी बातें सब कर, बड़ी बड़ी करना सबको आता है लेकिन हमने एक्चुअली में किया है ये वी आर द ओनली फिल्म इंडस्ट्री इन दर वर्ल्ड हमारी जितनी फिल्में थी अगर आप देखिए उन सब में सोशल इवेंट्स की होती थी और हीरो जो था एक कॉमन मैन का बेटा होता था जो कि ऑप्रेशर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ता था और सामाजिक किसी इविल को सामने ला के उसको रखता था धीरे धीरे चूँकि एन आर आई मार्केट बहुत डेवलप हो गया इसलिए हमारी फिल्मों ने कोर्स चेंज किया और हम कॉमन मैन को ही फिल्म से हमने निकाल दिया आई हैव डन नथिंग न्यू मैं जो कर रहा हूँ वो नॉर्मल है फिल्में ऐसे ही बननी चाहिए ऐसी बी फिल्में बननी ही चाहिए और कॉमन मैन होना चाहिए जिससे आप जुड़ सकें वैक्सीन हमारे देश ने बनाई है गर्व की बात है अगर ये कोई और देश ऐसा कर लेता तो कम से कम पच्चीस फिल्में बन गई होती हैं उसके ऊपर ऑस्कर विनिंग तो मैंने जो किया वो बड़ा नॉर्मल है हम लोग क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के स्टार्स स्टार्स के नाम पे भी सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स के अलावा उड़िया फिल्म के स्टार्स को तो कोई नहीं सेलिब्रेट करता ना गुजराती सिनेमा मराठी सिनेमा के लोगों को तो नहीं सेलिब्रेट करते हैं तो सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स क्योंकि पैसा यहां है हाइप यहां मीडिया है हम भूल ही गए हैं कि ये देश अगर आज इतना दुनिया इसको नई नजर से देख रही है तो वो कॉमन मैन के कारण है तो ये कॉमन जो हमारी विक्ट्रीज हैं जब तक हम उनको नहीं सेलिब्रेट करेंगे तब तक आम आदमी जो है आद, आम जन, यं, यं, यंग जनरेशन जो है हाउ विल दे फील कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ द कंट्री दैट्स डॉक्टर The vaccine and all that. What were your inspirations, and how did the social and political uh, setup uh, help you, or uh, you know, inspire you, or pressurize you in any way? Uh, I think there was no pressure really, and, uh, yeah, what but, I mean in a positive uh, sense. But but uh, the atmosphere and the milieu was very positive as far as the support from the uh, from the leadership from the government, which was phenomenally there. As well as we were able to do unimaginable things, right from testing kits to PPE kits to uh, uh, to uh, uh, to gowns to oxygen to masks, uh, and and one realized that if you think of it, it can be done, and we were able to achieve it because the it was a all of government approach for a lot of things. So everyone was working together, and 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 that really was. A, a team and, and and as you know that and together everyone achieves more that is the full form of a team so that's what we were able to do so vaccine uh, generally it is said that vaccine takes a certain x number of months or years to be developed so but you did it so quickly so can you tell us what is the reason and how that was achieved so the demand was there and it was work was being done on a war footing there was initially there was a restriction and lockdown so we were working uh, day and night during that uh, during the lockdown, all the experiments, whether it be on rats or hamsters, on mice or on monkeys, they were all being fast tracked and done very fast. And then we had to were successful with the monkeys; we were able to go to the human phase one, phase two, and the phase three trials. Okay. Vivek G, Nanaji, Hello, Yeah. हेलो एक्चुअली अभी अमेरिका में ना लॉट ऑफ पीपल लॉट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सी डी सी एंड अदर ऑर्गनाइजेशन बेलर एंड ऑल वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड दे केम टू सी फिल्म और उनके इंटरव्यूज भी हमारे पास एवरी बडी सेज़ इट इज़ इम्पॉसिबल हाउ यू डिड इट हाउ इंडिया डिड इट नो बडी बिलीव इवन द टॉप साइंटिस्ट कॉन्ट बिलीव हाउ वी वर्क बट दैट्स द एडवांटेज ऑफ बींग एन इंडियन कि हम लोग जब क्राइसिस होती है तो वी गो आउट ऑफ अवर वे टू अचीव थिंग्स विवेक uh, जी नाना सर सिमरन सिंह आप पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद द फिल्म का ट्रेलर जो है बहुत ही धमाके मतलब एक बहुत ही मूविंग है इट्स इट्स अ अ इमोशनली एंड सेलिब्रेशन एक एक तरफ से देखा जाए तो मेरा सवाल आप दोनों से बनता है कि नाना uh, सर की एक, एक खूबी ऐसी है कि वो एक बार सीन में अगर चले जाते तो कई बार वो जो होता है वो इम्प्रोवाइज इतना अच्छा कर देते कि फिर वो स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं होते वो जो उनके दिल में आता है वो ये बोलते तो ऐसा कुछ सीन आपने को देखा था इस शूट के दौरान नाना सर आप शायद नहीं बोल पाएंगे लेकिन विवेक जी इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे जवाब हो दे फिर मैं उसके ऊपर मेरा ठीक है सर दिस आप कुछ भी करो उसमें he can add one small, कुछ he doesn't do much, ऐसा नहीं है कि scene change कर दिया नॉट इवन वंस एक लाइन एक वर्ड एक फुल स्टॉप एक कॉमा कहीं फिल्म में कुछ नहीं चेंज हुआ बट ही विल जस्ट कम एंड एड वन थिंग वो पूरा सीन जो है चेंज हो जाता है नॉट ओनली फॉर हिम बट दवरीबी हूज इन दैट सीन सो दैट वे नाना के बहुत सारे छोटे 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 इनपुट्स हैं जो एक्चुअली कुछ एक चीज़ें मुझे भी नहीं समझ में आई थी और वो हमने तो उनको बहुत सीरियस समझ के एडिट किया है दीज आर सीरियस मोमेंट्स पर उसमें कहीं हल्का सा एक ह्यूमर था जो अभी हमने स्क्रीनिंग्स की बिकॉज आई रियलाइज़ की इन ऑल द ट्वेल्व स्क्रीनिंग्स एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट एवरीबडी लाफ इनफैक्ट बहुत सारे तो अमेरिकन यंग लड़के लड़कियों ने भी वो पॉइंट आउट किया मेरे को एंड दे ऑल्सो फाउंड इट वेरी फनी सो ही एड्स थिंग्स विच बिकम वेरी समटाइम्स ह्यूमरस समटाइम्स इंटेंस बट नाना इज एन एसेट और मैं uh, अब नाना पे बात चल रही तो एक और बात बताता हूँ जब ये बात चल रही थी कि किसको इसमें कास्ट करें ये बहुत डिफिकल्ट था इसके लिए कास्ट करना क्योंकि इसमें Uh, दो चीज़ें चाहिए एक तो पावर ऑफ पर्सनैलिटी भी चाहिए था कि समबडडी हु इज लीडिंग अ टीम जब सारी दुनिया कह रही है इंडिया कान डू इट और अपने ही देश के बहुत सारे लोग एक कैंपेन चला रहे हैं वॉर की तरह से लाइक एनिमीज दैट इंडिया मस्ट नॉट डू इट इंडिया किसी कई लोग थे बड़े पावरफुल लोग जो चाहते थे कि इंडिया बस फेल हो जाए इसमें इंडिया वैक्सीन ना बने हमारी फिर देखेंगे मज़ा आएगा कुछ लोग मरेंगे तो उसके बाद हम कहेंगे देखो सब लोग फेल हो गए इस देश में एक आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा और दूसरी तरफ एक बंच ऑफ पीपल थे जो कह रहे थे इंडिया कैन डू इट एंड वी मस्ट डू इट तो वो लीड करना इतने बड़े विलन्स uh, के सामने उसको लीड करना उसके लिए एक पर्सनैलिटी भी चाहिए थी सिनेमेटिक पर्सनैलिटी एंड नाना फिट्स टू द टी इन दैट दूसरा जो एक चैलेंज ये था कि क्रेडिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी वो परफॉर्मेंस की जब वो आदमी बोले तो लोगों को यकीन आए कि अगर ये आदमी बोल रहा है ये सच है तो वो सच ही है और वो तभी आ सकती है जब लोगों व्यूअर्स के दिमाग में वो कंसिस्टेंट परसेप्शन रहा हो तो मैंने एक छोटा सा रिसर्च भी हमने किया और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और स्टार्स हैं जिनकी आ, पूरे बॉडी ऑफ वर्क में सम ग्रेटेस्ट एक्टर्स दो चार फिल्में तो कम से कम कहीं गड़बड़ हो गई कुछ हो गया कहीं परफॉर्मेंस थोड़ा मीडिया हो गया पर आई फाउंड देर इज ओनली वन एक्टर एंड यू मस्ट एडमिट इट ये मैं बता रहा हूँ आपको शायद आप भी नहीं जानते हो

हाँ मैंने पूछा अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा पहला सवाल तुझे पूछा था मैंने अगर मैं ना करूँ तो, तो कहते हैं ना कर ही नहीं सकते बाकी का मैं संभाल लूँगा मैंने कहा मैं अंग्रेजी मैं जिस तरह से तू चाहता है जो एक फ्लुएंसी चाहिए वोकेबलरी चाहिए वो तो है नहीं हमारे पास हम तो वो रट के बोलेंगे नहीं नहीं वो मुझ पर उसकी जो एक लाइन है ना उसने मुझे वो करने पे मजबूर किया वो मुझ पर छोड़ो और मैं सच कहता हूँ मैंने सब कुछ उस पर छोड़ा ना तो मुझे मालूम है मैं वो मैं किसका मैं चीफ हूँ मैं कुछ नहीं मैंने तूने जितनी पढ़ाई की ना उतनी मैंने नहीं किया अभी घर का ज्यादा टीचर था तो तू तो ज्यादा करेगी लेकिन हमने कुछ नहीं किया हमने जितना उसने बताया उतना किया अब बीच में थोड़ा सा होता है कि एक अपना ढाल लो तुम रोल अपने आप में तो वो सही तरह से ढाल दो तो उसकी जुबान निकल आती है वो बोलेगा क्या वो किस तरह से बोलेगा वो अपने आप निकल आता है तो ऐसे एक आध दो लाइन कभी निकल गई अब एडिटर तो वही था तो मतलब चाहे तो रख सकता था चाहे तो निकाल दे मुझे मालूम नहीं कितनी निकाली कितनी ने रखी है देखते वक्त मुझे याद नहीं रहा मैंने देखी है फिल्म वो इतनी सही तरीके से एडिट की है तो पता नहीं चलता क्या देखा क्या नहीं देखा लेकिन देखने के बाद मैं कुछ बोल नहीं सका उसको कुछ नहीं मैं चुप चाप नीचे आके कॉफी पी रहा था बहुत सालों के बाद एक ऐसा कोई परफॉर्मेंस देखने को मिलता है सबका कंबाइंड मैं ये 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 ऐसे नहीं सबका मिला के कुल मिला के एक जो इम्पैक्ट है अब जब देख लेंगे तो पता चलता है कुछ ही फिल्में हमारे जहन में रह जाती है कि नहीं यार मैं इस फिल्म का हिस्सा था बड़ी खुशी मिली ये एक जो थी ना एक तो पहले साहब वो कहीं गलत कुछ हो गया होगा तो मुझे माफ़ करना मुझे मालूम नहीं है मैं कहीं कितने हद तक सही हूँ लेकिन वो करते वक्त बड़ा मज़ा आया ना तो, ना तो वो कोई डोमिनेटिंग पर्सन है ना तो बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल है जो दैट इज़ दी ओनली क्वालिटी विच मैच टू नाना पाटेकर बाकी की तो कोई है नहीं अनप्रेडिक्टेबल जो है और वो अच्छे के लिए अनप्रेडिक्टेबल है और पूरे फिल्म में वो उसका आ, मतलब मैं बड़ा बड़ा खुश हूँ वो कभी ऐसे होता है ना कि थकान भी आ गई तो नहीं चलो यार कर लेते हैं तो ऐसे ही इस फिल्म में हुआ बारह बारह घंटे के बाद भी वो खुशी इतनी रहती थी कि वो थकान कम महसूस होती थी बट क्रेडिट गोज टू यू अगर कहीं सच्ची अच्छा है वो तेरी वजह से है और बुरा है वो भी uh, मेरी वजह से <laughs> <laughs> okay. uh, विवेक जी, we'll take two more questions, जी right? आपके पे आज विवेक जी जैसे आपने कहा कि इस फिल्म में सब कुछ इट्स वन हंड्रेड परसेंट रियल एंड दैट वुड बी द रियल लाइफ विलन लाइफो सो शुड बी दैट द विलन इन दिस मूवी इज कम्प्लीटली रियल एड जैसे आपने कहा कि टूल किट भी दिखाया है आपने सो हैज़ द विलन बिन डिराइव फ्रॉम डैट देखिए मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ बाकी कैरेक्टर्स में कभी कभी कहीं थोड़ी सी लिबर्टी हो जाती है कि भाई उसने ऐसे नहीं काले नहीं सफ़ेद रंग के जूते पहने होंगे या वो सुबह Uh, जल्दी उठने वालों में से लेट थोड़ी कहीं कहीं हम लोग चेंज करते हैं पर आए मुझे कोई ये कभी मुझसे शिकायत नहीं कर सकता कि मैं अपनी फिल्मों में कभी विलन के साथ अनट्रूथफुल रहता हूँ तो जो विलन है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट और कोई कैरेक्टर नहीं है और uh, आप देखिए आपको समझ में आएगा एंड इन माई फिल्म विलन्स आर नॉट लाइक विलन्स दे आर लाइक अस बट और यही प्रॉब्लम uh, है कि जो इनसाइडर uh, एनिमीज़ होते हैं उनको पहचानना मुश्किल होता है और उन्हीं के कारण भारत की सबसे बड़ी समस्या भी है हाय आई एम मनीषा फ्रॉम iwmbuzz.com मेरा सवाल विवेक सर आपसे और नाना सर आपसे है uh, विवेक सर आपने कास्टिंग का भी बात किया तो मुझे जानना है कि क्या नाना सर ही आपके फर्स्ट चॉइस थे फॉर द रोल अरे इतनी देर से <laughs> यही तो बता रहे हैं अभी आपको कि फर्स्ट <laughs> हाँ, so, नहीं चॉइस फर्स्ट सेकंड नहीं वो और कोई चॉइस ही नहीं थी ओके okay. और नाना सर आपसे जानना चाहेंगे कितने प्राउड आप फील करते हैं इस मूवी का पार्ट होके अभी तो बताया अभी तो वही तो बताया सारा का सारा फिर भी अगर और कुछ ऐड करना चाहेंगे तो हेलो सर uh, इधर राइट right साइड में विवेक रंजन नाम है हमारा uh, मैं आपका ही नाम है अग्निहोत्री तो नहीं है आखिर में नहीं 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 मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ अभी नया ज्वाइन किया हूँ यहाँ पे द फिल्मी चर्चा से हूँ Uh, मेरा प्रश्न आपसे है कि uh, नाना साहब की तरह मेरी भी हिंदी ही है अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है uh, आपकी फिल्में नाना साहब मैंने देखी हैं एक समानांतर सिनेमा जब चलता था स्मिता जी का और इन सब का दौर था वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जा रही है यहाँ पर और विवेक सर की भी फिल्में देखते ही रहते हैं कॉमन क्वेश्चन है कि uh, समानांतर सिनेमा आज के बाज़ार के समय में मार्केट के टाइम में कितना सफल है कितना असफल है और विवेक सर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आ, कितना मानते हैं कि ये पैरेलल समानांतर सिनेमा कितना सफल हो पाएगा और नाना सर आपकी तरफ से हमें चाहिए कि आप इस फिल्म को समानांतर सिनेमा की लिस्ट में रखते हैं या फिर नहीं एक तो पहली बात वो जो अंतर था एक कमर्शियल फिल्म और समांतर फिल्म वो रहा अब उस जमाने में था अब वो तो है नहीं ओ आने के बाद हमारी हर किसी की फिल्म को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। और जितने व्यूवर्स थे वो पैसे हमारे आ जाते हैं तो वो समांतर फिल्म का वो रहा नहीं रहा थॉट कौन सा अब रखते हैं अब जिस तरह की फिल्में हिट हो रही है आज मैंने कल एक फिल्म बहुत ही हिट हुई वो देखा मैं मतलब मैं पूरी देख नहीं पा रहा था लेकिन वो बहुत चलती है यार अब वो चलती है तो मुझे लगता है कि बार बार हम इस तरह का मटेरियल दिखा के लोगों को मजबूर करते हैं ये पसंद करने के लिए अब मैं एक्टर हूँ कल मैं अपने बेटे को एक्टर बनाना चाहता हूँ अब उसके अवकात हो ना हो लेकिन मैं तो थोपना चाहता हूँ आपके ऊपर एक फिल्म उसकी गिर जाए चलो दूसरी फिल्म में मैं लूँगा तीसरी दस फिल्में होने के बाद वो कहीं आपको उसकी बुराइयाँ कम नज़र आने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको आप अपनाने लगते हो और एक दिन हमारे वो सर पे बैठता है वो ऐसा वो आज का वो चित्र है हमारे यहाँ फिल्म का कुछ ऐसी घिनौनी फिल्में है कि वो हमको देखने पे मजबूर करते हैं और हमको आहिस्ता आहिस्ता लगता है नहीं यही अच्छी फिल्म है उसमें अगर ऐसी फिल्म आती है तो फिर पता चलता है नहीं यार दो फिल्मों में फर्क है वो जिंदा है नहीं दो फिल्मों में अच्छा और बुरा जो थोपा हुआ जो बुरा है हम पे जिसको हम अच्छा कहने लगे हैं वो और ये अच्छा इसमें बहुत अंतर है तो जो समांतर वगैरह नहीं रहा ये सिर्फ अच्छी और बुरी फिल्म का एक दौर है तो हम जिस तरह से माउंट करते हैं आज मैं हैरान हूँ मैं तो जाता नहीं मैं सच कहता हूँ मैंने विवेक को कहा कि यार मैं प्रमोशन को जाता नहीं जितना मैं मुझे करना था अच्छा बुरा वो मैंने फिल्म में कर दिया अब यहाँ आके मुझे क्या बोलना है मैंने ऐसे क्या वैसे क्या उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन इतनी तादाद में लोग आते हैं प्रमोशन के लिए मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ मेरे समझ में नहीं आता यार मैं क्या बोलूँ और सबसे गंदी बात यह है कि एक गलत लफ्ज़ निकल गया ना तो इतना बड़ा कुछ बोल दिया उसमें से वो गंदा लफ्ज़ अब है भाई इंसान है एक एखाधा इधर उधर हो जाता है लेकिन वो नहीं होता तो हमें वो मैंने तो वो बोलना ही बंद कर दिया जितना जितनी जान डालनी है अपने काम में डालो यार यहां बोल के मैं बड़ी बड़ी बातें करूं और मेरी बकवास फिल्म है तो थोड़ी चलने वाली है और ना भी करूं तो अच्छी है तो वो चलनी ही चलनी है और ये मैं सच कहता हूं मुझे वो अंदर से लग रहा था कि नहीं यार जाना चाहिए तो मुझे वो खाम खाम वो कहीं गांव से मैं इधर आना पड़ा लेकिन नहीं ये फिल्म है अगर दूसरी कोई एक बहुत

कई लोग मुझसे बोलते हैं ये अलग हम कुछ अलग कर ही नहीं रहे जी एक मुझे बहुत बड़े दिग्गज संगीतकार ने बात बोली थी कि अगर आप बेसुरा गाना बहुत सारे बेसुरे गाने ही सुनते रहें, सुनते आपने रहें, तो उसी को सुर समझ बैठते हैं वही आपका सा बन जाता है हुँ. और अगर एक गांव में सिर्फ बेसुरे गाने सुनने की आदत पड़ जाए तो कोई सुर वाला जो सही सुर में गा रहा है लोग उससे यही पूछते हैं आप इस सुर में क्यों गा रहे हैं भाई यू अंडरस्टूड एम वे और मैं मैं कोई नया नहीं बाहर से फिल्म इंडस्ट्री में आ गया हूँ कि कोई एक बड़ा फ्रस्ट्रेटेड आर्ट फिल्म बनाने आया था तो अलग तरह की फिल्म बना रहा हूँ मैंने भी कमर्शियल फिल्मों में काफ़ी साल दिए हैं और बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ बनाई हैं और मैंने बड़े बड़े स्टूडियोज़ के साथ सब प्रोजेक्ट्स में बैठा भी हूँ मैं बताता हूँ मैंने ऐसी फिल्में बनानी क्यों शुरू की क्योंकि सब जगह मुझसे हर स्टार ने हर प्रोड्यूसर ने हर स्टूडियो ने यही बोला यार कहानी थोड़ी सिंपल कर दो लोगों को समझ में नहीं आती है मतलब थोड़ा डम डाउन कर दो स्टोरी को एक बहुत बड़े स्टार है उन्होंने मुझसे कहा था अरे रे ये इंडियन ऑडियंस को कहानी बहुत कम देनी चाहिए इनको कुछ समझ में नहीं आता है ये पूरी जो एक धारणा बन गई है कि ऑडियंस डम्प है और करते 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 हमने वाकई में एक अच्छी खासी तादाद डम ऑडियंस की क्रिएट की है अगर आप चैलेंज और ये बात हमने बुद्धाइना ट्रैफिक जैम से ताशकंद फाइल से कश्मीर फाइल से और इस फिल्म से प्रूव करेंगे इतने कॉम्प्लेक्स आइडियाज इसमें पचास कॉम्प्लेक्स थीम्स चलती हैं मेरी हर फिल्म फिल्म के अंदर हर कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स होता है पूरी फिल्में कमरों के अंदर बंद कोई गाने नहीं कोई हंसी मजाक नहीं कोई एक्शन नहीं कोई थ्रिलर नहीं कोई स्टार्स नहीं कोई हीरोइंस नहीं एक बंद कमरे में आठ दस लोग बैठ के बातें करते हैं बहुत सारी पर आप देखिए सारी फिल्मों को ऑडियंस ने सराहा है सारी फिल्मों की अपनी एक लॉयल ऑडियंस बनी है तो आप अगर आप सुर में ये फिल्में ऐसी ही होनी चाहिए कॉमन मैन से रिलेटेड और होना क्या चाहिए फिल्मों में तो मैंने आपसे कहा कि सबने मैंने सुपर हीरो फिल्म बनाई है अब आप डिसाइड करिए कौन सी सुपर हीरो फिल्म इंटेलिजेंट है और कौन सी डम है ये आपको डिसाइड करना है नहीं नहीं मैं सच कहता हूँ वेलकम करते हुए और ये करते हुए दोनों में उतनी ही जान डालनी पड़ती है यहाँ तो सब कन्विंसिंग है वहाँ कुछ भी कन्विंसिंग नहीं है वो कन्विंसिंग बनाना पड़ता है तो उधर ज़्यादा जान डालनी पड़ती है समझ में आया ना जी जी और अपने आप को टटोलने का एक अच्छा तरीका है हम किस तरह के एक्टर हैं क्या हम वो कर सकते हैं ये तो बड़ा आसान है वो करना बहुत मुश्किल है करने वाले हैं उनको नमस्कार धन्यवाद शुक्रिया सर बैठ जाइए <laughs> चोरानी बोल मोठ्यानी बोल कोमल पंचार फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस नाना सर द क्वेश्चन इज फॉर यू आपको हिंदी फिल्म में एटलीस्ट 5 या 6 इयर्स के बाद देख रहे हैं द वैक्सीन वॉर इज लाइक योर कमबैक टू हिंदी फिल्म्स हैज द इंडस्ट्री ओपनड अप टू यू नाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स विल यू बी डूइंग सर मेरे लिए कभी बंद नहीं थी यार एंड वेलकम्स अभी एक अनाउंस uh, हुई है एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट हम it. नहीं कर रहे हैं हम पुराने हो गए तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं लिया इनको लगता है अब भी हम पुराने नहीं हुए इसलिए इन्होंने ले लिया hmm, इतना हुँ. सिंपल है और कभी आपके लिए इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं लोग आएंगे आपको पूछेंगे आपको वो जानना चाहिए कि आप कर सकते हैं करना चाहते है उतनी ही जान मैं समझता हूँ ये मेरा पहला चांस है और आखिरी चांस है तो उतनी ही जान डालनी चाहिए उसमें बस बाकी कुछ नहीं है। हरे को काम मिलता है सिर्फ आप करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं इसके ऊपर निर्भर है नाना जी हाँ? आपके लिए सवाल है हाँ? ट्रेलर से आपका सशक्त नेतृत्व दिख रहा है महिलाओं के प्रति जो आपने प्रेरित कर रहे हैं उनको वैसे तो सशक्त हैं सब आर्टिस्ट तो आपके एनकरेजमेंट से कैसा काम हुआ इन लोग का बताना चाहेंगे क्या 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 आप आप आपके नेतृत्व में महिलाओं को आपने एनकरेज किया प्रेरित किया ट्रेलर से ऐसा दिख रहा है हाँ. तो आपके इस नेतृत्व में इन्होंने कैसा काम किया अच्छा किया <laughs> <laughs> बहुत अच्छा किया हमने सीखा बहुत उनसे क्या होता है मैं आज सजलू हम मर्द बहुत इनफीरियर होते हैं इसलिए हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं हमको मालूम है

एक ही एक ऐसे कोई सवाल सामने करता है तो वो एक लिंक लग जाती है वैसे वैसे भी हम पहले किसी का सुनते नहीं थे आजकल कम सुनते हैं तो इसकी वजह से वो पहले वो प्रॉब्लम है तो आमने सामने करेंगे इंटरव्यू जो जो है देखते हैं कितना होता है कितना बोलते हैं ओके थैंक यू एवरीबडी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू